अल्फा इज इक्वल टू साइन 36 डिग्री इज द रूट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। देखो ये कहता है कि अल्फा इनमें से किसी एक का रूट है, मतलब आप ऐसा लिख सकते हो कि अल्फा की जगह एक्स लिख सकते हो। तो बेसिकली ये दिया हुआ है एक्स इक्वल टू साइन 36 और आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सी इक्वेशन होगी अल्फा की। देखो साइन 36 डिग्री की वैल्यू होती है रूट 10 माइनस 2 रूट 5 अपॉन 4, ये वैल्यू यहां रिप्लेस करो तो ये बनेगा 10 माइनस 2 रूट 5 अपॉन 4। अब क्या करो, दोनों को यहां भी ले आओ, स्क्वेयरिंग कर लो, ठीक है। ये 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, 16 को यहां ले आओ, 16 एक्स स्क्वायर, ये बनेगा 10 माइनस 2 रूट 5। अब रूट वाली टर्म एक तरफ करो, इसको यहां ले आओ, पहले तो 2 कॉमन निकाल लो, 2 काट दो, 8 एक्स स्क्वायर माइनस 5 माइनस 5 ये बन गया, ठीक है। हमने 2 काट दिया सब में से, 5 को यहां लो, 8 एक्स स्क्वायर माइनस 5 इक्वल टू माइनस रूट 5। अब दोबारा स्क्वेयरिंग कर लो, स्क्वेयरिंग बोथ साइड, 8 का स्क्वायर 64, यहां पे a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, 2 5 जा 10, 10 8 जा 80 एक्स स्क्वायर, और इसका स्क्वायर करोगे तो 5 हो जाएगा, तो ये बना 64 एक्स स्क्वायर, यहां पे ना 4 हो जाएगा, है ना, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर करोगे तो 4 हो जाएगा, 64 एक्स स्क्वायर माइनस 80 एक्स स्क्वायर, और 25 में से 5 के माइनस 20 प्लस 20, इस सब में 4 कॉमन है, 4 कॉमन निकाल लो तो 16 एक्स 4 माइनस एक से ये 80 था, 80 एक्स स्क्वायर प्लस 20, इन सब में 4 कॉमन है ना, तो ये बचेगा 20 एक्स स्क्वायर प्लस 5 इज इक्वल टू 0, तो ये मैच हो रहा है सी।